रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO द्वारा हल्द्वानी के गोरा पड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। वहीं बेहतर पौधे और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए 61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना, हमने उस समय खोला। कई जगहों पर उत्तराखंड में भी, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोले गए। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे। साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो ख़राब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियां, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक शुरुआत करी, जो शुरुआत बहुत अच्छी रही। और इससे उनको न नीचे उतरने की आवश्यकता थी और न कहीं मंडी ढूंढने की आवश्यकता थी। इस दौरान अजय भट्ट ने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाएंगे। मेले में महिला सहायता समूह के साथ साथ कई सरकारी और निजी संस्थानों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावा आज कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया।